अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आपका भाई इशफाक अहमद और मेरे साथ हैं आफ्ताब भाई। तो नाज़रीन, आज हम एक कब्रिस्तान में आए हैं जो कि काफ़ी पुराना है और काफ़ी यानी कि ऊंचाई में पहाड़ जैसा ही कोई इलाका है इधर छोटा सा। तो वो बिल्कुल कब्रिस्तान जो है कि ऊपर की इसका जो कहते हैं पहाड़ के ऊपर ही समझे बना हुआ है, काफ़ी ऊंचाई में बना हुआ है। तो हम आए हैं इस कब्रिस्तान में आपको दिखाने के लिए। तो आफ्ताब भाई आपको दिखाते हैं ये किस्सा। तो मैं चलता हूँ बाहर की तरफ जो कि कब्रिस्तान बिल्कुल बाहर की तरफ है। तो ये देख सकते हैं आप, ये जो बिल्कुल ये काफ़ी ऊंचाई में ये इलाका है जो कि ये देखें छोटा सा गेट लगा हुआ है इस साइड पे। ये वो कब्रिस्तान है। आप देख सकते हैं ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है, काफ़ी ऊंचाई पे है और इसकी जो कब्रें हैं वो काफ़ी पुरानी हालत में है। तो आफ्ताब भाई मेरे साथ हैं, आफ्ताब भाई जो के अच्छा यार ये दे आप देख सकते हैं आप, ये जो ये कब्र आप देख सकते हैं काफ़ी यानी कि ना इसके ऊपर जो पड़े हुए हैं घड़े होते हैं जो पानी वाले, उनके टुकड़े जो होते हैं वो इसके ऊपर पड़े हुए हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला कि ये कब्रिस्तान काफ़ी ऊंची जगह पे है। ये देख सकते हैं आप, ये बर्तन वगैरह पड़े हुए हैं इस कब्र पे, ये गैली वगैरह जिसे कहते हैं वो पड़ी है। तो मैं हूं आपका भाई इशफाक अहमद, आप देख रहे हैं हमारा चैनल यूट्यूब चैनल जिनात का खौफ। और ये आप देखते हैं ये कब्र बिल्कुल यानी कि बैठ गई है और इसके जो दरख्त है ये आप देख सकते हैं ऊपर बिल्कुल बिल्कुल छोटा सा दरख्त है ये। तो नाज़रीन बताया जाता है ये कब्रिस्तान काफ़ी पुराना है, बहुत ज़्यादा पुराना है, जो इधर की जो कब्रें हैं वो भी काफ़ी पुरानी हैं। और ये देख सकते हैं आप ये कब्र पे जो दरख्त के साथ कपड़े,
और ये देख सकते हैं ये माला कबर पे पड़ी हुई है। तो नाज़रीन ये आप देख सकते हैं ये जो कब्रस्तान है ये काफ़ी ऊंचाई पे है और वो हमें नज़र आ रहा है कब्र पे कुआं बैठा है। तो इसका तो वो जाने ऊपर वाला कि ये क्या माजरा है, ये आप देख सकते हैं दूर से हम देख रहे हैं कि ये काफ़ी देर से इस कब्र पे बैठे हुए हैं। तो चलते हैं आगे की तरफ। ये आप देख सकते हैं मैंने जैसे कि आपको पहले बोला ये कौवा काफ़ी देर जो इस कब्र पे बैठा हुआ था। और इस कब्रस्तान के में जो दरख्त हैं वो भी इतने ज़्यादा नहीं है, इधर बहुत कम है। और ये आप देख सकते हैं ये काफ़ी अजीब सा हमें एक दरख्त मिला है इस कब्र के बिल्कुल साथ है ये। ये जितनी भी कब्रें हैं ये काफ़ी पुरानी हैं और ये काफ़ी ऊंचाई पे हैं। तो जैसा कि मैंने आपको पहले बोला है कि ये कब्रस्तान काफ़ी पुराना है और आपको बताते हैं आगे कि ये देख सकते हैं अब ये कब्रें जो मैंने पहले आपको बोला ये देखें। ये देख सकते हैं हम ये काफ़ी पुराना इस कब्र में काफ़ी पुरानी कब्र है जो कि इसके ऊपर जो पत्थर पड़ा हुआ है इसकी तो जैसे हमको इस बात का मालूम होगा हम आपको बताएंगे ये पत्थर क्यों पड़ा है, क्या वजह है इस कब्र पे। हालांकि किसी कब्र पे नहीं ये पड़े हुआ है इस जैसा। मौसम भी काफ़ी ख़राब हो चुका है तो आप देख सकते हैं ये बिल्कुल मौसम जो कि बहुत ख़राब है। तो कहते हैं कि इधर जो कब्रों पर जानवर आके बैठते हैं कौवा वगैरह हो गया ये बुलबुल बैठी हुई है आप ये देख सकते हैं आप। ये आप जैसे में ये बुलबुल कब्र पे बैठी हुई हैं इसके जो भी। तो इसके बाद हम आपको दिखाते हैं
तो नाजरीन ये देख सकते हैं, ये काफ़ी बड़ा कुआं था, जैसे ही मिट्टी ऊपर से गिरती गई ख़त्म हो गया, तो कुछ निशान इसके बाकी हैं। तो अब हमें जा दीजिएगा आपका भाई शफाक अहमद और आफ्ताब अहमद को जाल दें, इंशाल्लाह बिल्कुल एक नए वीडियो में दोबारा आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए हमें जा दीजिएगा, अल्लाह हाफिज़।